नमस्कार रांची, आप सुन रहे हैं रेडियो खांची 90.4 एफएम, हम सबका रेडियो। मैं सौरव नीलेश और आज आप मेरे साथ जिस कार्यक्रम में हैं उसका नाम है करो योग रहो निरोग। आज हम एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आए हैं। यह टॉपिक से वह सभी लोग रिलेट कर पा रहे होंगे या रिलेट कर पाएंगे जिन्होंने अपने लाइफ टाइम में कभी पढ़ाई की है, किसी कंपटीशन की तैयारी की है या अपने स्कूल डेज या कॉलेज डेज के दौरान एग्जामिनेशन के लिए प्रैक्टिस की है। तो आज का जो हमारा विषय है वह उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अपना समय अधिकतर बेड पे बैठकर या लेट कर पढ़ने में बिताते हैं। मैं पहले बता दूं कि बेड पर लेट के या बैठ के पढ़ना कदाचित उचित नहीं है, यह आपको हमेशा पोस्चरल प्रॉब्लम देगा। हमेशा आप टेबल चेयर पर ही, टेबल और कुर्सी के साथ ही बैठकर पढ़ें, यानी टेबल चेयर का इस्तेमाल ही करें। इससे आपकी रीढ़ की हड्डी मजबूत रहेगी, कंसंट्रेशन आपका बना रहेगा। लेकिन किसी मजबूरी के कारण यदि आप बेड पर बैठकर या लेटकर पढ़ रहे हैं तो आज हम कुछ ऐसे योगाभ्यास देखेंगे जो कि आपको बेड पर लेटकर या बैठकर पढ़ने से जो समस्याएँ शरीर में उत्पन्न होती हैं उनको उनसे रिलीफ देगा। क्योंकि देखा गया है कि बेड पर लंबे समय तक बैठकर या लेटकर पढ़ने से कमर में या पीठ में भी दर्द आने लगता है, साथ ही साथ कंसंट्रेशन प्रॉब्लम आने लगता है, नींद आने लगेगी, तुरंत भूख लगने लगेगा, पढ़ाई पे मन ही नहीं लगेगा, मन करेगा तुरंत मोबाइल निकाल के देख ले। तो उन सब चीज़ों को कैसे रोका जाए और कैसे आपका कंसंट्रेशन बढ़ाया जाए, पोस्चरल आपके इश्यूज़ को कैसे ठीक रखा जाए, वैसे योगाभ्यासों को आज हम लोग देखते हैं। तो यदि आप बेड पर बैठकर पढ़ते हैं या बेड पर लेटकर पढ़ते हैं तो पढ़ने के एक घंटे के ब्रेक के बाद, यानी अगर आप बेड पर लेट के या बैठ के पढ़ रहे हैं तो हर एक घंटे के बाद 10 मिनट का एक ब्रेक लें और बेड पर बैठे बैठे ही इन अभ्यासों को आप कर सकते हैं। इनमें सबसे पहला अभ्यास है मारजारी का अभ्यास। मारजारी के अभ्यास को अंग्रेजी में कैट्स पोस्चर बोलते हैं। मारजारी के अभ्यास से आपके पूरे रीढ़ की हड्डी में फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन रहेगी, तो उससे क्या होगा, आपको कभी कमर दर्द नहीं होगा, पीठ में दर्द नहीं होगा, थकान नहीं महसूस होगी। इसके अलावा आप कुछ देर वज्रासन में बैठें। वज्रासन में बैठने से क्या होगा, तो वज्रासन में बैठने से आपको कभी गैस की समस्या नहीं होगी, कॉन्स्टिपेशन की समस्या नहीं होगी, इररेगुलर डाइजेशन की अगर आपको समस्या है वो समस्या नहीं होगी, अगर आपको इरिटेबल बॉबल सिंड्रोम है यानी बार बार डकार आने की समस्या है, वह समस्या का भी समाधान आप वज्रासन में बैठकर कर सकते हैं। वज्रासन में ज़रूर बैठें क्योंकि वज्रासन में बैठने से क्या होता है, आपके शरीर में जो वज्र नाड़ी है उस पर प्रभाव पड़ता है और यकीनन ये कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने में भी मदद करता है। इसके अलावा आप लेट के मकरासन का अभ्यास कर सकते हैं। मकरासन के अभ्यास से आपके सर्वाइकल एरिया को मजबूती मिलेगी, गर्दन को मजबूती मिलेगी, आपके लंबर और सैक्रल रीजन को मजबूती मिलेगी यानी कमर के हिस्से को मजबूती मिलेगी। इसके अलावा कुछ प्राणायाम हैं जो आप कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। साथ ही साथ बेड पर क्या होता है कि बैठे बैठे या लेटे लेटे पढ़ने से नींद आने लगती, तो वो नींद ना आए और आप पढ़ पाएँ अच्छे से उसके लिए आप भ्रामरी का अभ्यास कीजिए। भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास यकीनन आपके कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाएगा और आपको मन में कोई स्ट्रेस नहीं रहने देगा, मतलब मानसिक रूप से आपको तनाव फ्री रखेगा। साथ ही साथ आप उज्जयी का अभ्यास करें। उज्जयी के अभ्यास से आपका थायराइड लेवल बरकरार रहेगा जिससे कि आपको थायराइड से रिलेटेड कोई समस्या नहीं होगी, यानी शरीर में सूजन नहीं आएगा, देखने में कोई समस्या नहीं आएगी, शरीर का ग्रोथ प्रॉपर होगा। इसके अलावा आप वज्रासन में बैठकर अनुलोम विलोम का अभ्यास करें, ज़्यादा नहीं, 5 से 6 मिनट आप अभ्यास करें और इस अभ्यास को करने के दौरान ही आपको पता चल जाए कि आपके शरीर में वापस से कितनी एनर्जी आ गई है। यदि आपको 2 घंटे बैठकर लेटकर आप पढ़ते हैं तो आप उसको 3 घंटे 4 घंटे तक बढ़ा सकते हैं इन अभ्यासों को करके। मैं कुछ मेडिटेशन भी बताऊंगा और इस मेडिटेशन को आप ज़रूर करें। ये मेडिटेशन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने के लिए है। यदि आपको नींद आ जाती है पढ़ते पढ़ते या फिर ध्यान भटकने लगता है उस समय आप अंतर्मौना का अभ्यास करें। अंतर्मौना के साथ साथ आप सोहम ध्यान का भी अभ्यास करें। इन अभ्यासों से आपका कंसंट्रेशन बनेगा, आपका मन कभी भटकेगा नहीं, जिस चीज़ पर जिस काम पर आप फोकस कर रहे हैं वो काम आप फोकस्ड होकर कर सकते हैं। तो इन अभ्यासों को करें और यकीनन आपको फ़ायदा होगा और बेड पर बैठकर या लेटकर पढ़ने से जो जो आपको शरीर में समस्याएं आ रही हैं, कमर दर्द, पीठ दर्द, पेट दर्द, उन सभी समस्याओं से आपको निजात मिल जाए। तो आज के इस कार्यक्रम को सुनने के लिए बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे हैं रेडियो खांची 90.4 FM, हम सबका रेडियो।